दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश की बात की थी और आज हम देखते हैं कि उपकोशों का भेदन प्रभाव क्या होता है। हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में विभिन्न प्रकार के ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी कक्षक होते हैं, जैसे कि एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। तो ये ऑर्बिटल नाभिक के कितने पास होते हैं, यानी इन ऑर्बिटल की नाभिक से निकटता को जो प्रभाव बताता है उसे उसका भेदन प्रभाव या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट कहते हैं। वास्तव में हम जानते हैं कि एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल की यदि हम एनर्जी की बात करें तो सबसे कम एनर्जी एस ऑर्बिटल की होती है, उसके बाद पी ऑर्बिटल की ज़्यादा, फिर डी की और ज़्यादा, और एफ ऑर्बिटल की एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है। इससे हमें समझ में आता है कि एस ऑर्बिटल नाभिक के बहुत पास में होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी कम इसलिए वो नाभिक के अधिक समीप होता है। इसलिए सबसे ज़्यादा यदि हम पेनिट्रेटिंग इफेक्ट देखें तो भेदन प्रभाव सबसे ज़्यादा किसका होगा, एस ऑर्बिटल का, उसके बाद पी ऑर्बिटल का, उसके बाद डी ऑर्बिटल का, और सबसे कम भेदन प्रभाव किसका होगा, एफ ऑर्बिटल का। उदाहरण के लिए यदि हम एल्यूमिनियम की आयनन विभव का मान देखना चाहते हैं कि एल्यूमिनियम के आयनन विभव का मान Mg से कम क्यों है, तो हम जानते हैं कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13 और इसका कॉन्फ़िगरेशन यदि हम देखें तो कितना होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3px1। इसमें इलेक्ट्रॉन यदि हमें निकालना है, उसकी आयनन ऊर्जा निकालना है, तो हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना पड़ेगा, पी उपकोष से, है ना। जबकि यदि हम बात करें मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। यानी कि मैग्नीशियम का आयनन विभव ज्ञात करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना होगा वो किस उपकोष से निकालना होगा, एस से। चूंकि एस उपकोष का पेनिट्रेशन पार ज़्यादा होता है पी की तुलना में, यानी एस उपकोष नाभिक के अधिक नज़दीक होता है, इसलिए उस पर नाभिक का आकर्षण ज़्यादा होगा, यानी कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा ऊर्जा देना पड़ेगी, किसके कंपैरिजन में, पी के कंपैरिजन में। क्योंकि एस का पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होता है पी के पेनिट्रेटिंग पावर से, इसीलिए एल्यूमिनियम की आयनन ऊर्जा का मान मैग्नीशियम के आयनन ऊर्जा से अधिक होता है।